अतीक और अशरफ की मौत के बाद अतीक के गुर्गों के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा तो अक्सर सामने आ रहा है, लेकिन पहली बार है जब लेडी जॉन की करीबी का गुनाह सामने। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही लेडी डॉन यानी माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता का कोई सुराग नहीं है। 100 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन इस बीच शाइस्ता की राइट हैंड पर पुलिस ने शिकंजा कसा। शाइस्ता परवीन की करीबी मुंडी पासी पर FIR दर्ज हुई। मारपीट, जान से मारने की धमकी के मामले में केस दर्ज हुआ। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज हुई नामजद FIR। IPC की धारा 323 और 506 के तहत दर्ज हुआ केस। गाड़ी में पैर छूने से नाराज होकर युवक की पिटाई का आरोप। पेट्रोल पंप पर पिटाई करके जान से मारने की धमकी देने का आरोप। शाइस्ता परवीन की बेहद करीबी है आरोपी महिला मुंडी पासी। मुंडी पासी को शाइस्ता परवीन का करीबी बताया जाता है। वो लेडी डॉन के नाम से भी प्रयागराज में चर्चित है और उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज है। मुंडी पासी ने कल देर शाम प्रयागराज के एक पेट्रोल पंप पर युवक की बुरी तरह से पिटाई की। यानी अकेले माफिया अतीक ही गुर्गों की फौज नहीं रखता था, उसकी पत्नी शाइस्ता ने भी अपने आसपास ऐसी ही महिलाओं की फौज खड़ी करके रखी थी जो गुनाहों को अंजाम देने और किसी को जान से मारने की धमकी देने में जरा भी नहीं हिचकती। अलीगढ़ में दो सगी बहनों को लव जिहाद शिकार बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। अलीगढ़ के कारखाने में हुई मुलाकात को नाविद ने दो बहनों के साथ लव जिहाद में बदल दिया। पहले उसने शादीशुदा बहन को प्यार के नाम पर झांसे में लिया, उससे शादी का वादा करके 6 साल तक अपने साथ रखा। 10 महीने पहले बेटी हुई तो महिला ने शादी का दबाव डाला तो आरोपी ने कहा कि धर्म परिवर्तन करो तभी शादी होगी। महिला नहीं मानी तो उसने 10 महीने की बेटी के साथ महिला के परिजनों के पास छोड़ दिया। वो मेरी छोटी बेटी को ले गया, 10 दिन में आया है। अब वो कह रहा है कि हम काहे मुसलमान रखेंगे आपको बना के, हम तुमसे निकाह करेंगे, हमने मना कर दिया। इस बीच वो महिला की नाबालिग बहन को झांसे में लेने की कोशिश करने लगा। 6 साल तक बड़ी बहन के शोषण के बाद छोटी बहन से शादी का वादा करना शुरू कर दिया। मेरे पीछे पड़ गया, मुझे निकाह करना चाह रहा था, अपना परिवर्तन वो करवाना चाह रहा था और मेरे साथ फिर जबरदस्ती कर रहा था, मेरे साथ मारपीट कर रहा था। पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद नाबालिग लड़की को बरामद किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। उक्त अभियोग में ये दिखाया गया था कि जिस व्यक्ति के साथ गई है वो वादिया का जीजा है और इस संबंध में हम लोगों के द्वारा प्रयास करके पीड़िता को शीघ्र बरामद किया गया। प्यार के नाम पर धर्म का सौदा करने वाले इस गुनहगार के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये नजीर बन सके। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्हें रेल हादसे के बाद की स्थिति, खासकर की घायल यात्रियों के बारे में जानकारी। पीएम को जानकारी देते हुए बताया गया कि करीब 1175 मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 793 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। अधिकतर घायल मरीजों की हालत स्थिर है। घायलों को अच्छा इलाज मिले इसके लिए भारत सरकार ने एम्स दिल्ली समेत विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम को ओडिशा भेज दिया है। आधुनिक उपकरणों से लैस इस टीम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मुलाकात की। इसके पहले कटक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अस्पताल का दौरा करके रेल हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। हादसे पर भारतीय रेलवे का बयान भी सामने आया, जिसमें रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड में थी और उसे रोकना संभव नहीं था। उधर विपक्ष ओडिशा रेल हादसे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए रेल मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। बांग्लादेश के वरिष्ठ राजनयिक शेख मरफत अली इस्लाम ने ट्रेन दुर्घटना में घायल बांग्लादेशी यात्रियों को राजनयिक सहायता प्रदान करने के लिए बालासोर के अस्पताल का दौरा किया। ओडिशा रेल हादसे पर रूस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने शोक जाहिर किया। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने इस हादसे में पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दुख जताया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।